लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कांग्रेस नेता राजू गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर सीएम आदित्यनाथ योगी पर लगाया किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न कराने, मिल बंद करवाने व खुद का गन्ना आईपीओ शुगर मिल सिसवा में स्थानांतरण कराने का आरोप। जीएसबी शुगर मिल गड़ौरा में 20,000 हेक्टेयर गन्ने की खेती किसान किए हुए हैं और दिसंबर माह का आज 13 तारीख बीतने को है, पर मिल कब चलेगा इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है, जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता के दौरान राजू गुप्ता ने कहा कि किसानों का फसल खेत में खड़ा है और सूख रहा है। भाजपा के नेताओं ने कहा था प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो 14 दिनों में किसानों का गन्ना मूल्य का संपूर्ण भुगतान करा देंगे, पर जीएसबी शुगर मिल में किसानों का 50 करोड़ का लगभग गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान बीजेपी सरकार ने आज तक नहीं करा पाया। तो वहीं पेराई सत्र आरंभ हुए लगभग एक माह बीत चुका है, पर आज तक बीजेपी की सरकार यह तय नहीं कर सकी है कि कब तक गन्ना पेराई का कार्य आरंभ होगा और कब से गन्ना मिल चलना आरंभ होगा, जिसे लेकर किसान आत्महत्या करने को विवश है, जिसका जन आक्रोश जागरण रैली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसान 16 दिसंबर को निकाल मिल का घेराव करेंगे। उसके बाद ही मिल चालू नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी बृहद आंदोलन करने को विवश होगी। भाजपा सरकार पिछले पौने दो साल से प्रदेश में और लगभग 4.5 साल से केंद्र में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछती है कि जुमले की सरकार कब तक चलेगी। भाजपा सरकार में किसानों में त्राही त्राही मची हुई है, किसानों साथ छलावा भाजपा कब तक करेगी। यहीं बगल के गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपना गन्ना जो है गड़ौरा चीनी मिल से जो है ट्रांसफ़र करवा के सिसवा शुगर मिल आईपीएल को दे दिया, लेकिन किसानों को जो पर्ची मिला वो कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। खेतों में गन्ना सूख रहा है, किसान आत्महत्या करने पे विवश है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, कब तक आप किसानों के आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी 16 तारीख को किसान जन आक्रोश रथ यात्रा निकालेगी पूरे सिसवा विधानसभा में, 10 से 15 जो है जनसभाएं करेगी और भाजपा के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त जो है आंदोलन करेगी। गौरा चीनी मिल का घेराव 16 तारीख को करेगी, तत्पश्चात एसडीएम को ज्ञापन देगी और हफ्ते दिन का मोहलत भाजपा सरकार के पास है। अगर हफ्ते भर के अंदर गौरा मिल चालू नहीं होता है तो फिर आंदोलन के लिए भाजपा सरकार तैयार रहे। जनपद महाराजगंज से गुलाम गौस राय की रिपोर्ट।